Okay, let's solve some few examples on dot product again. Now these will be the few different kind of examples than just regular put data get answers. Now consider करो एक body है, इस body पे एक force लगा F, जिस force की वजह से ये वाली जो body है उसका displacement हुआ, suppose चलो D displacement हुआ, S displacement के लिए S use करते हैं, so S displacement हुआ. सो ये जो फोर्स लगाया था, ये फोर्स इस डायरेक्शन में था और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ. देखा है ना आपने कभी कभी ये छोटे बच्चे जो गाड़ी लेके घूमते हैं, तो वो फोर्स तो इस तरफ लगा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो ये उसी टाइप की सिचुएशन है. तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है 60 डिग्री सपोज. सो आई एम आस्क्ड कि व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द फोर्स इफ एफ इज इक्वल टू 50 न्यूटन एंड इस फोर्स की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर. सो याद रखना हमेशा के लिए कि वर्क डन का फॉर्मूला अब तक हमने देखा है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो बेसिकली इट्स नॉट जस्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज बेसिकली एफ बार डॉट एस बार. ठीक है, सो इट इज नथिंग बट एफ एस कॉस थीटा. ये याद रखना, ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आएगा आपको कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. सो इट्स नॉट जस्ट डिस्प्लेसमेंट, इट्स ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सो एफ एस कॉस थीटा, तो एफ की वैल्यू 50 है, एस की वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 60 है. सो कॉस 60 की वैल्यू 1/2, सो 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, आपको आंसर कितना मिलेगा 250. ठीक है ना, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन. एक्सक्यूज मी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है बेसिकली वो वर्क डन होता है. अब अगर ऐसे है तो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो आपको हुआ है लास्ट ईयर आपको हुआ है कि सर्कुलर मोशन में एक फोर्स होता है विच इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स. ये एक टाइप का सेंट्रिपिटल फोर्स होता है. यहाँ पे ये जो एफ है ये सेंट्रिपिटल फोर्स है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट तो एक्चुअली टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यानी ये हो रही है एफ एस. ठीक है, तो अगर मैं वर्क डन पूछूं बाय द सेंट्रिपिटल फोर्स, तो वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. तो एफ की वैल्यू कितनी होगी, एफ मल्टीप्लाइड बाय एस मल्टीप्लाइड बाय ये थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री. सो कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो. तो यहां पे मुझे यह बताना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना वर्क डन करता है ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग इन द सर्कुलर मोशन, जीरो वर्क डन करता है. यानी सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क डन करता है, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट की टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो रही है और जो फोर्स है वो लग रहा है अलोंग द रेडियस. रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू इच अदर. सो इसलिए वर्क डन कितना होता है, जीरो. सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट पे वर्क डन कितना करता है, जीरो. चलो नेक्स्ट. ओके, आपको ये दिया हुआ है कि एफ वन इज अ वेक्टर. ठीक है, एफ वन वेक्टर दिया हुआ है, एफ वन वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप. तो इस वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है. कहां से परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, इन ऑप्शन में से आपको कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर है ये फाइंड आउट करना है. अब ये अगर आप एफ वन वेक्टर देखोगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 4, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट है उसका माइनस थ्री उसका वाई कोऑर्डिनेट है. तो आप देख सकते हो कि यहां पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर आपका एफ वन वेक्टर है. ये वेक्टर आपका एफ वन वेक्टर, इसको परपेंडिकुलर वेक्टर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है. अब यहां पे आप ठीक से देखोगे तो यहां पे अगर मुझे फाइंड आउट करना है वेक्टर, इसको परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो मैंने कंसीडर किया कि एफ टू इज इक्वल टू एग्जैक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना है. तो कंसिडर करते हैं कि एक्स आई प्लस वाई जे, ये वाला जो वेक्टर है ये इसको परपेंडिकुलर वेक्टर है. अगर एक्स आई प्लस वाई जे अगर एफ वन को परपेंडिकुलर है, तो एफ वन बार डॉट एफ टू बार इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए. अब मैंने आपको बोला था कि एफ वन बार और डॉट एफ टू बार अगर करना है और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में अगर
आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, ax bx यानी क्या होगा, 4x एंड माइनस 3y, ठीक है, तो इज इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन नंबर वन मिल गया, लेकिन यहां पे दूसरी कोई कंडीशन दी ही नहीं है कि जहां पे मैं बता सकता हूं आपको कि ये वाली कंडीशन आप यूज करके आप बता सकते हो कि कौन सा वेक्टर इसको परपेंडिकुलर है। तो अगर ऐसे नहीं है तो विल गोस फॉर समथिंग एल्स। अब ये वाला जो है, ये वाला 4i 3j 6j और 6j और 3i प्लस 4j, ये तीनों वेक्टर जो है वो किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। इसमें भी x y है, इसमें भी x सॉरी y है, इसमें क्या कौन है, x और y है। यानी अगर ये वाला जो प्लेन है, इस वाले प्लेन को मैं अगर कंसिडर करूं कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x y प्लेन है, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट, ये वाला जो वेक्टर है, ये भी एक्स वाई प्लेन में ही आएगा। 6j, ये भी, ये तो अलोंग वाई एक्सिस ही आएगा, बिकॉज ये जे है तो ये तो अलोंग वाई एक्सिस ही आएगा। ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर भी एक्स वाई प्लेन में ही आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट उसका 3 है, वाई कोऑर्डिनेट 4 है, तो उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, ये वाला वेक्टर होगा। यानी ये सारे के तीनों वेक्टर क्या है, इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। लेकिन ये 7k जो है वो कौन सा है, ये वाला वेक्टर है अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये वाला वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ऑब्वियस सी बात बन जाती है कि 7k इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट का वगैरह लोचा ही करने की जरूरत नहीं है। गेटिंग द पॉइंट, यहां पे ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर यानी एक्स वाई प्लेन में अगर मैं कहीं पे भी कोई वेक्टर निकाल लू, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, कोई भी वेक्टर ले लो, सारे वेक्टर्स को ये वाला के जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा। यानी इस पूरे प्लेन में जो भी वेक्टर्स हैं, इन सारे वेक्टर्स को ये वाला के वाला वेक्टर परपेंडिकुलर है। इसलिए 7k इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर ऑफ इंटरेस्ट। बाकी कुछ लोचा करने की जरूरत नहीं है, एकदम कॉमन सेंस से हमने आंसर निकाला हुआ है कि f1 को, ठीक है ना। और ये कॉमन सेंस से आंसर निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज हमारे पास ये इक्वेशन मिल गया था, लेकिन हमारे पास एक ही कंडीशन है और दो अननोन्स है, तो ये हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो टू वेरिएबल्स के इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो वेरिएबल और दो इक्वेशंस चाहिए। यहां पे तो सिंगल इक्वेशन है तो जा नहीं सकते, सो वी हैव टू यूज कॉमन सेंस। सो कॉमन सेंस से क्या पता चला मुझे, यार ये के बार जो है ना, ये के कैप, ये एक्चुअली अलोंग द जेड एक्सिस होता है। तो अगर अलोंग द जेड एक्सिस है तो इसका मतलब ऑब्वियसली इन सारे प्लेन के किसी भी वेक्टर में ले लो आप लोग, उसको ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर परपेंडिकुलर होगा 7k, ठीक है। सो आंसर इज 7k। अच्छा, और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। चलो, इजी क्वेश्चन है, जो पहले किया था वैसे वाला क्वेश्चन है। अ फोर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है, अ फोर्स ऑफ 5i प्लस 3j इज अप्लाइड ओवर अ पार्टिकल विच डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पॉइंट टू r इज इक्वल टू ओरिजिनल पॉइंट है फ्रॉम ओरिजिन टू r बार इज इक्वल टू 2i प्लस 1j, ठीक है। यानी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ऑब्जेक्ट को मैंने फोर्स लगाया, तो पहले वो पार्टिकल को फोर्स लगाया, तो पार्टिकल पहले ओरिजिन पे था, ठीक है। अब वो वहां से कहां पे चला गया, 2i प्लस 1j यानी 2i, यानी यहां पे 2 यहां पे 1 यानी, ठीक है, वो यहां पे चला गया ये वाला ऑब्जेक्ट। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये वाला उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ठीक है ना। ये कौन है आपका, आर बार, और यहां पे मैंने फोर्स लगाया। चलो, फोर्स मैंने सपोज लगाया ऐसे एफ, ठीक है, उन्होंने दिया नहीं है लेकिन मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ, फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स को भी कंसिडर नहीं किया तो भी चलेगा, फोर्स लगाया इसको, यहां से यहां पे चला गया। सो मुझे पता है वर्क डन निकालना है, सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ बार डॉट आर बार। तो एफ बार की वैल्यू क्या है, 5i प्लस 3j, आर बार की वैल्यू क्या है, 2i प्लस 1j। सो i i का मल्टीप्लीकेशन, j j का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। सो i और i का मल्टीप्लीकेशन, 5 2 10 और j j का मल्टीप्लीकेशन 3, सो टोटल 13 जूल्स, ये आएगा वर्क डन, खत्म, 13 जूल्स, वो भी प्लस 13 जूल्स है, ठीक है ना, प्लस 13 जूल्स। Got you what the idea? Okay, चलो next. अगर यहाँ पे कुछ कहीं पे भी अगर माइनस होता तो मैं माइनस कर लेता। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे अगर ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट इस तरफ चला गया कहीं पे, तो बिकॉज ये
माइनस माइनस यानी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। सो थर्ड क्वाड्रेंट में वो पॉइंट है जहां पे ये वेक्टर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस हो गया, तो यहां पे मैं क्या करता, ये वाला भी माइनस, ये वाला भी माइनस, तो ये वाला माइनस एंड ये वाला भी माइनस, तो माइनस 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 13 जूल्स, ये होता आपका वर्क डन, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज डन। और एक फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर से उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। पहला वेक्टर दिया हुआ है सपोज ए बार, ए बार वेक्टर दिया हुआ है, ए बार इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस 3j प्लस k, ठीक है। और दूसरा बी बार, बी बार इज इक्वल टू दिया हुआ है i प्लस 2j माइनस 4k, ये दिया हुआ है। और इनके इन दोनों के बीच का एंगल पूछा है फाइंड आउट करने को। अब मुझे पता है कि ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सो इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार होल डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। ये ए बी कौन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड ए बार डॉट बी बार क्या है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। चलो सो ए बी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ए इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हमने किया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ। सो कितना आएगा ये 4 प्लस 9 प्लस 1, कितना आएगा रूट 14, ये ए की वैल्यू आई। बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। सो कितना आएगा ये, ये कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 16, यानी कितना आएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 21, ये ए बी आया। अब ए बार डॉट बी बार पता है मुझे, ए बार डॉट बी बार यानी ये आपका ए बार है, ये आपका बी बार है, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि ए बार डॉट बी बार कैसे निकाला जाता है, ए एक्स बी एक्स, ठीक है ना, यानी माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये ए एक्स बी एक्स, उसके बाद प्लस ए वाई बी वाई 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ए जेड बी जेड 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय ये रूट 14 इंटू रूट 21, सो इक्वल टू क्या आएगा यहां पे, माइनस टू प्लस सिक्स माइनस फोर होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 21। सो इसका इक्वल टू क्या आएगा, ये कटा, सो 0 डिवाइडेड बाय रूट 14 इंटू रूट 21, ठीक है। सो टोटल कितना आएगा 0। सो ये किसकी वैल्यू आई, कॉस थीटा की वैल्यू आई, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और 270 डिग्री, ये आएगा फाइनल आंसर, ठीक है। जो भी आपको ऑप्शन में होगा वो आपको ऑप्शन में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आई प्लस जे, ए बार इज इक्वल टू आई प्लस जे है एंड बी बार इज इक्वल टू जे प्लस के, जे प्लस के, ठीक है। इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। चलो ट्राई करें, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो अभी हमने देखा cos theta इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। सो पहले ए बी फाइंड आउट करते हैं। सो ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो यहां पे मिल जाएगा हमें, सो इक्वल टू cos theta इज इक्वल टू cos theta इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a बार डॉट b बार, x का और x का मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पे तो x है ही नहीं नीचे, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 करो प्लस ऊपर का j नीचे का j, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। उसके बाद ऊपर का k नीचे का k, लेकिन ऊपर तो k है नहीं, सो प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 होल डिवाइडेड बाय ए बी, ए बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, कितना आएगा इक्वल टू यहां पे, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 ये 0, सो 1 अपॉन
2 आएगा. सो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, चलो और एक एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट, अ पार्टिकल मूव्स विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी दी है, सो v बार इज इक्वल टू 6i माइनस 4j प्लस 3k, 6i माइनस 4j प्लस 3k मीटर पर सेकंड. इस मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी है उसकी. फोर्स f इज इक्वल टू, सो f बार इज इक्वल टू 20i प्लस 15j माइनस 5k न्यूटन. नाउ द क्वेश्चन इज, अ पार्टिकल मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स दिस, द इंस्टेंटेनियस पावर अप्लाइड टू द पार्टिकल इज, इंस्टेंटेनियस पावर अप्लाइड टू द पार्टिकल इज. तो याद रखना इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू, पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. अब वर्क डन पता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एफ बार एस बार, एफ बार डॉट एस बार. अब मुझे पता है एस डिवाइडेड बाय टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी. सो इसलिए यहां पे एफ बार डॉट वी बार आ जाता है. ठीक है, सो पावर इज इक्वल टू एफ बार डॉट वी बार. सो एफ बार की वैल्यू दी हुई है यहां पे. ठीक है, सो एफ बार की वैल्यू आई विल जस्ट राइट फ्रॉम हियर. ठीक है ना, p इज इक्वल टू एफ बार डॉट वी बार. सो एफ बार की वैल्यू दी हुई है, सो 20i प्लस 15j माइनस 5k एंड v बार की वैल्यू दी है 6i माइनस 4j प्लस 3k. अब 20 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 टू जा, ठीक है ना, i i का मल्टीप्लीकेशन, j j का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन, k k के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन. सो 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 120, ठीक है, 15 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 माइनस 60 एंड माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 15. सो कितना आएगा ये 75, सो 25 प्लस 20 45, सो 45 जूल्स पर सेकंड. ये क्या कितने आए, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है ये, इंस्टेंटेनियस पावर वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, चल, सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स. नाउ ट्राई टू डू मोर मोर एंड मोर ऑफ द एग्जांपल्स, सो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट थरो. I'll try to find out one more example for you. So the angle between the vector. Okay, चलो ये वाला try करके देखते हैं. So vector p is equal to p bar is equal to ai aj 3k, ai plus aj plus 3k. And q bar is equal to ai minus 2j minus 3k. ये दो वेक्टर्स जो हैं, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं. अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको इस वेक्टर का इन दो सॉरी a की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है. सो मुझे पता है कि p bar dot q बार इज इक्वल टू 0 फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, क्योंकि cos थीटा इज cos 90 इज इक्वल टू 0 हो जाता है. सो p बार की वैल्यू रखते हैं, सो p बार की वैल्यू, ठीक है, सो डायरेक्टली करूं ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली लिख देता हूं. सो i i का मल्टीप्लीकेशन, सो a मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 2 a मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, माइनस इसकी वजह से माइनस लिया हुआ है, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0. सो ए स्क्वायर माइनस 2 ए माइनस 9 इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो ये वाला आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है. फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करो, यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करो. अब यहाँ पे इसके रूट्स नहीं निकलते हैं, तो यू नो द फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी डिवाइडेड बाय 2 ए. ये फॉर्मूला आपको पता है,
सो इस फॉर्मूला से यू कैन फाइंड आउट द आंसर. ठीक है, चलो. सो दीज आर द क्वेश्चन यू कैन डू. सो आई विल सेंड यू द फ्यू मोर क्वेश्चंस. सो ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस. इफ यू गेट एनी डाउट जस्ट आस्क मी. थैंक यू.